हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइशो होमस्कूलिंग। प्राइशो होमस्कूलिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ के स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए सब्जेक्ट है मैथ्स। उसमें मेजरमेंट एक टॉपिक है जिसका सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पेपर क्वांटिटी रीम एंड क्वायर। ये हम सबको पता है दोस्तों कि पेपर क्वांटिटी या फिर कैसे हम डिफाइन करते हैं या फिर रीम या क्वायर, ये जो शब्द है ये आपने सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, इनको मेजर करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है या फिर एक यूनिट होता है। तो वो क्या यूनिट होता है ये हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो, ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और हाँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे जो भी दोस्त हैं जो स्टैंडर्ड फिफ्थ के स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठे हैं, उन सभी को हमारे इस वीडियो का फायदा हो सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ पेपर क्वांटिटी रीम एंड क्वायर। तो दोस्तों, क्या है फॉर्मूला? सबसे पहले तो ये हम सबको पता है कि एक डजन मतलब कितने होते हैं, बराबर है? एक डजन मतलब 12 शीट्स होते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों, आगे और कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि वन ग्रॉस इज इक्वल टू कितने होते हैं दोस्तों? यस, वन ग्रॉस मतलब 12 डजन, ठीक है। वन ग्रॉस मतलब 12 डजन होते हैं। अभी वन क्या है दोस्तों? अभी वन क्वायर मतलब कितने होते हैं? वन क्वायर मतलब उसमें 24 शीट्स होते हैं, ठीक है। बाद में एक रीम मतलब वन रीम जो होता है उसमें कितने होते हैं? उसमें 20 क्वायर होते हैं, बराबर है? समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? और वन रीम इज इक्वल टू कितने होते हैं? उसमें शीट्स 480 शीट्स होते हैं, बराबर है? दोस्तों, आपको इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर वो आपको सॉल्व करने हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। आपको बस इतना ही चार्ट आपको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो आपको इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना दोस्तों, कैसे हमें दिया है कि वन डजन मतलब 12 शीट्स होते हैं, बराबर है? वन ग्रॉस मतलब 12 डजन होते हैं, बराबर है? वन क्वायर मतलब 24 शीट्स होते हैं, और वन रिम इज इक्वल टू 20 क्वायर, और वन रीम इज इक्वल टू 480 शीट्स। दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला अगर लिख लेना है तो आप ये लिख कर रखो, आपको ये बाय हार्ट करना है, जिससे वजह से आप इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमें इसके ऊपर पूछे जाएंगे और कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक सॉरी अपने क्वेश्चन की ओर। मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। देखो दोस्तों, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है, टू क्वायर शीट्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बराबर है? अभी हमें क्या पूछा है कि टू क्वायर शीट्स मतलब क्या है? तो टू क्वायर शीट्स मतलब, पहले तो हमें वन क्वायर मतलब कितने शीट्स होते हैं?
अब भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि 1 square इज इक्वल टू 24 शीट्स होते हैं, बराबर है। तो हमें 2 square शीट्स निकालने, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 2 square शीट्स इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 48, बराबर है। इसका मतलब 2 square शीट्स का सही जवाब क्या है, 48 शीट्स, बराबर है। समझ में आ गया दोस्तों आपको, ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आप आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 ream sheets क्या है, 1 ream sheets इज इक्वल टू क्या है, हाउ मेनी डजन शीट्स, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है कि 1 ream sheets इज इक्वल टू हाउ मेनी डजन शीट्स। तो पहले हमें क्या निकालना होगा दोस्तों, पहले हमें 1 ream इज इक्वल टू, 1 ream मतलब कितने होते हैं शीट्स में, कितने होते हैं 480 शीट्स, बराबर है। ये जब भी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाए थे तभी मैंने आपको ये बताया था कि 1 ream यहाँ पे देखना है हमें कि शीट्स पूछा है या फिर क्वायर पूछा है। अगर क्वायर पूछा होता तो हमने 20 क्वायर लिए होते होंगे, बराबर है ना। 1 ream इज इक्वल टू 20 क्वायर्स और 1 ream इज इक्वल टू 480 शीट्स, क्योंकि यहाँ पे शीट्स पूछा है इसीलिए हमने 480 शीट्स लिया है, ठीक है। अभी 1 dozen शीट्स, बराबर है। 1 dozen शीट्स मतलब कितने होते हैं 12 शीट्स, ठीक है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अभी हमें 480 माइनस 12, सॉरी डिवाइड, 480 डिवाइड बाय 12 तो हमें कितने मिल जाएंगे, हमें मिलेंगे 40 डजन शीट्स, बराबर है। क्यों हमने डिवाइड किया आपको पता है कि 1 ream 480 शीट्स होता है और 1 dozen यहाँ पे डजन शीट पूछा है, इसलिए 1 dozen शीट मतलब 12 शीट है, तो इसीलिए 480 डिवाइडेड बाय 12 किया तो आंसर आ गया 40। तो यहाँ पे 1 ream शीट्स इज इक्वल टू 40 डजन शीट्स, बराबर है। चलो आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों, ये जो सवाल है ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 dozen, ठीक है, 3 dozen प्लस 1 gross इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा है देखो दोस्तों कि 3 dozen इज प्लस 1 gross इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले हमें क्या करना है, 1 gross मतलब कितने हैं 12 dozen होते हैं, बराबर है ना। 1 gross मतलब 12 dozen, तो अभी हमें क्या करना है, 12 dozen प्लस कितने हमें डजन पूछे गए हैं, 3 dozen, 3 dozen, ठीक है। तो यहां पे कितने आ जाएंगे, यहां पे हमें मिलेंगे 15 dozen, बराबर है, 15 dozen। तो यहां पे 3 dozen प्लस 1 gross इज इक्वल टू 15 dozen आंसर आता है, बराबर है। कितना है, 15
डजन। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि कितने आसान सवाल होते हैं, बस आपको जो ग्रॉस, डजन या फिर जो भी क्वांटिटी हमें दी गई है या फिर जो भी हमें पूछा गया है उसके लिए जो भी फॉर्मूला है, जो फिट होता है वहाँ पे, वो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, अपने दिमाग में बैठाना है। तो दोस्तों ये थे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको सॉल्विंग पर्पज के लिए और भी कुछ क्वेश्चन दे सकती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोज आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और हाँ दोस्तों भूलना नहीं मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि जो भी हमारे दोस्त हैं जो स्टैंडर्ड फिफ्थ के स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठे हैं उन सभी को मेरे इस वीडियो का फायदा हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।